नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ सुपर फास्ट खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बलौदाबाजार हिंसा का मामला गूंजा। विपक्ष की तरफ से उमेश पटेल ने मामले पर कहा कि बलौदाबाजार की घटना इंटेलिजेंस फेल्यूर है, सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि 8000 लोगों में से 160 लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे कांग्रेस से जुड़े हैं। वहीं सदन में बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए खेल युवा विभाग की ओर से बिना टेंडर टोपी टी शर्ट खरीदी का मुद्दा उठाया। मूणत ने जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई की मांग भी की, जिस पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच की बात कही। वहीं सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से उमेश पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 7 महीने में 25,000 करोड़ का कर्ज लिया, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया था। बीजेपी कांग्रेस पर कर्ज लेकर राज्य को डुबोने का आरोप लगाती थी, आज खुद बीजेपी की सरकार क्या कर रही है ये बताएं। वहीं सदन में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा विधायक धर्मलाल कौशिक ने उठाया, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि गड़बड़ी पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया, जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया। और विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीच सदन में बहस हुई। भूपेश बघेल ने कहा कि अजय चंद्राकर को विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से माफी मांगनी चाहिए, माफी नहीं मांगने पर सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेने की बात कही। वहीं अजय चंद्राकर ने माफी नहीं मांगते हुए मामले को विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ दिया, जिस पर विपक्ष ने नाराजगी जताई और भूपेश बघेल ने सदन में ऐलान किया कि जब तक अजय चंद्राकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक किसी भी सत्र में अजय चंद्राकर की बहस में विपक्ष भाग नहीं लेगा। आपको बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस के 2 विधायक के शामिल होने की बात सदन में अजय चंद्राकर ने की थी, जिस पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि किसी भी विधायक पर कोई भी आरोप लगाने से पहले इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को होनी चाहिए। और न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बलौदाबाजार मामले में 2 विधायकों पर आरोप और सियासत इतनी गर्म हो गई कि अब क्षमा मांगने की बात कही जा रही है, आखिर कुछ आधार भी रखा था क्या अजय चंद्राकर ने 2 विधायकों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी जो है वो बलौदाबाजार हिंसा का मामला गरमाया रहा और इसको लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा हुआ। दरअसल अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही थी, इस दौरान अजय चंद्राकर ने अपनी बात रखी और बात रखते रखते कह दिया कि 2 विधायकों का इसमें हाथ है। साथ में उन्होंने ये कहा कि विष्णुदेव सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जो है विपक्ष कर रही है, इसके लिए षड्यंत्र रचा गया है, इसको लेकर जो है विपक्ष हंगामा करने लगी और विरोध जताने लगी कि इस तरीके से किसी भी सदस्य का नाम जो है सदन में नहीं लिया जा सकता, पोस्टर नहीं लहराया जा सकता। तो तमाम मुद्दों को लेकर वो है जो विपक्ष हंगामा करते नजर आई, तो मुद्दा गरमाता रहा और इसको लेकर माफी मांगने की भी बात अजय चंद्राकर से की गई। इसके साथ ही जो दिन भर की अगर प्रक्रिया को देखे तो विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया था, जो नकली खाद बीज और जो किसानों को उत्पाद मिल रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई। साथ ही बिजली की कटौती को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया, इसको लेकर भी हंगामा किया और गर्भगृह तक पहुंच गए, स्थायी रूप से उन्हें वहां से बाहर भी किया गया था। इसके बाद जो है फिर सदन की कार्रवाई चलने लगी और तमाम जो मुद्दे उठे हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात हो या घटिया पुल निर्माण की बात हो, साथ ही जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात हो, ये भी कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्र में जो है वो चिकित्सा सेवाएं बेहतर नहीं हो पा रही है, जो उद्योग में जो शिविर लगाए जाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के वो भी नहीं लग पा रहे। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष में उठे और हंगामे भरा रहा दूसरा दिन का भी ये सत्र। जिस तरीके के तेवर विपक्ष के नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आकाश आपका।
और छत्तीसगढ़ में कल कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। बलौदा बाजार हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। घेराव के लिए हर ब्लॉक से कार्यकर्ता आएंगे। विधानसभा इलाके के स्कूल कल बंद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर बलौदा बाजार और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कई सड़कों पर आवाजाही बंद रहेगी तो कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया है। पंडरी मार्ग कल सुबह 10 बजे से ही बंद रहेगा। वहीं अवंतीबाई चौक मार्ग, बरौद गांव विधानसभा ब्रिज मार्ग भी बंद रहेगा। प्रदर्शन की पूरे प्रदेश स्तर में तैयारी हो चुकी है और सिर्फ पूरे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, प्रत्येक ब्लॉकों से, प्रत्येक गांव से। इस तरह से कल का प्रदर्शन मंडी चौक 12 बजे शुरुआत होगी विधानसभा घेराव के लिए, फिर विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। लगभग 25,000 से अधिक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से विधानसभा घेराव के लिए रायपुर राजधानी पहुंच रहे हैं और घेराव की पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में कांग्रेस विधानसभा घेराव करने का ऐलान कर दिया है। मैं अपने सहयोगी एम नवीन से कहूंगा कि वो दिखाए पंडरी रोड में किस तरह से बैरिकेटिंग है, वो लगाई जा रही है। पंडरी रोड विधानसभा के जो मार्ग हैं कई जगहों पर कल अवरुद्ध रहेगा और पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है और बड़ी प्रदर्शन की तैयारी है वो की जा रही है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए आज एक पुलिस के आला अधिकारियों की बड़ी बैठक है वो आयोजित की गई है। और आप देखिए, ये लोधी पारा चौक है। लोधी पारा चौक से जो मार्ग विधानसभा की ओर जाता है उन मार्गों को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो विधानसभा की ओर से जो बलौदा बाजार का मार्ग है उस पर वो भी बाधित रहेंगी। कई मार्गों को परिवर्तित किया गया है और ये पंडरी जो रोड है, अन्य जो मार्ग हैं कल 10 बजे से बंद रहेंगे। जब तक प्रदर्शन चलेगा तब तक ये मार्ग है वो बाधित रहेगी। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इस बजट से तो विधानसभा चुनाव, विधानसभा घेरने की तैयारी है इस बार कांग्रेस की। युगल तिवारी हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। युगल, विपक्ष ताकत दिखाना चाहता है इस घेराव के जरिए। ये बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी है और लगभग पखवाड़े भर पहले कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था जिस तरह से खराब हो रही है उसको लेकर के वो उग्र प्रदर्शन भी कर सकती है। और जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी है, लगभग 25,000 से अधिक कार्यकर्ता पदाधिकारी कल पहुंचेंगे और मंडी गेट से जो धरना प्रदर्शन शुरू होगा तो कई प्रमुख मार्गों को बंद किया गया है, बाधित किया गया है। तो ये तय है कि कांग्रेस का कल बड़ा प्रदर्शन होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों की ड्यूटी तैनात कर दी गई है। सभी को फिक्स जो स्थान पर जो अधिकारी है उनकी तैनाती रहेगी। साथ ही साथ लोधी पारा चौक हो, पंडरी का जो मार्ग है, इसके अलावा विधानसभा का जो मार्ग है उन मार्गों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। विधानसभा क्षेत्र में जो निजी स्कूल, शासकीय स्कूल चलते हैं, चूँकि आवागमन नहीं हो पाएगा तो इसके मद्देनजर रखते हुए उन स्कूलों की छुट्टी है वो भी कर दी गई है। तो ये तय है कि कांग्रेस का कल बड़ा प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन बड़ी संख्या में एहतियातन तमाम कदम जरूर उठाए गए होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोशिश यही होगी कि सत्ता पक्ष को अपनी ताकत दिखाई जाए। बहुत शुक्रिया युगल। और सीएम विष्णुदेव साय ने आम बजट की तारीफ की है। सीएम ने इसे विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला बजट बताया, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। तो विष्णुदेव साय ने आम बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इसे आम जनता का बजट बताया है, विकासोन्मुखी बजट करार दिया है। तो सीएम ने इसे विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला बजट भी करार दिया है। वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है,
छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट की तारीफ की है, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि बजट में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत पैसा मिला है। छत्तीसगढ़ को 18 लाख आवास जो है वो छत्तीसगढ़ को ग्रामीण आवास मिलेंगे, छत्तीसगढ़ को 50,000 से ज्यादा शहरी आवास मिलेंगे, छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा मिलेगा, छत्तीसगढ़ के शहरी विकास के लिए पैसा मिलेगा, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास के लिए पैसा मिलेगा और छत्तीसगढ़ की विभिन्न परियोजनाएं जैसे पोलावरम बांध को बनाने की बात की गई है तो पोलावरम बांध के बनने से जो फायदा छत्तीसगढ़ को भी होगा और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी इस बजट में पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं। और खबर रायपुर से है जहां पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला, इन पर युवक का अपहरण कर मारपीट का आरोप है। पुलिस ने इन बदमाशों को दिल्ली से पकड़ा है जिन्हें गुड़ियारी थाने से रामनगर के कर्मा चौक और बस्ती एरिया तक घुमाया गया। आरोपी फरारी के दौरान कई बार इंस्टाग्राम में लाइव भी आए, इसमें वो पार्टी करते भी दिख रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर रील्स और स्टोरी भी शेयर की थी। आपको बता दें कि एक युवक को किडनैप कर बदमाशों ने बेसबॉल बैट से बुरी तरह से पीटा था। बदमाशों ने युवक को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद बदमाश उसे मरा हुआ समझकर कार से 25 से 30 किलोमीटर दूर ले गए और वहां फेंक दिया था। शंकर नामक युवक को इन चार आरोपियों ने देखिए बेरहमी से पीटा था और उसके बाद सोशल मीडिया में बाकायदा इन लोगों ने, इन चारों आरोपियों ने उसे पोस्ट भी किया था। बेसबॉल के बैट से बेरहमी से पीटा था और उसे मरा समझकर जो मंदिर हसौर थाना क्षेत्र में फेंक दिया था और इस दहशत फैलाने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया में वीडियो जारी किया था। तो आप देख सकते हैं उन सभी चारों आरोपियों को दिल्ली से गुड़ियारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद देखिए कि उनका जुलूस निकाला जा रहा है और उन्हें अर्ध मुंडन भी किया गया है। ये आरोपी लगातार नशे सहित अन्य जो कारोबार है उसमें संलिप्त पाए गए हैं और ये आदतन अपराधी हैं। पहले शंकर और ये चारों आरोपी जो हैं चोरी का काम करते थे, लेकिन शंकर चोरी के काम को छोड़ करके वो अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जेल चले गए थे और बाहर निकलते ही शंकर को आपसी रंजिश को लेकर के बुरी तरह से पीटा था। शंकर अभी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है और इन चारों आरोपियों को गुड़ियारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और खबर कोंडागांव से, कोंडागांव में जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। किलेनार इलाके से जवानों ने 5-5 किलो के 2 IED बम बरामद किए। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ये बम प्लांट किए थे, लेकिन जवानों ने इन्हें बरामद किया और नष्ट कर दिया है। तस्वीरें सामने आई हैं डिफ्यूज करते हुए इन बमों को, जो कि बेहद घातक हो सकते थे अगर जवान इनकी चपेट में आ जाते तो। ये तस्वीरें कोंडागांव से जहां पर 10 किलो का आईडी बरामद किया गया और उसे डिफ्यूज भी कर दिया गया। दरअसल ये नक्सलियों के जरिए प्लांट किया गया था जवानों को निशाना बनाने के लिए, लेकिन समय रहते इसे पहचान लिया गया और डिफ्यूज भी कर दिया। और बस्तर में नक्सलियों पर प्रहार जारी है। जवानों ने सुकमा में नक्सलियों के 2 कैंप ध्वस्त कर दिए। सिंगाराम और गोलापल्ली थाने इलाके में ये कैंप थे जिनको सुरक्षा बलों ने गिरा दिया। जवान सर्चिंग पर निकले थे, इसी दौरान उन्हें ये कैंप दिखाई दिए जिसके बाद जवानों ने इन्हें ध्वस्त कर दिया। तो दरअसल नक्सली अक्सर स्मारक का निर्माण करते हैं, लेकिन जवानों ने जब सर्चिंग पर वो निकले थे इस स्मारक को ध्वस्त कर दिया। और रायपुर शूटआउट मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड अमनदीप वाल्मीकि उर्फ अम्मू को गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्मण दास बाजीगर, रवि कुमार सेन भी गिरफ्तार हुए हैं।
आरोपियों को लेकर रायपुर पहुंची है पुलिस। कोयला कारोबारी के ऑफिस पर इनने फायरिंग की थी। बड़ी खबर बलौदाबाजार से, हिंसा और आगजनी में गिरफ्तारी हुई है। हिंसा और आगजनी का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी अविनाश धृत लहरे को गिरफ्तार किया गया। भीम रेजिमेंट बेमेतरा का जिला अध्यक्ष अविनाश। बलौदाबाजार हिंसा में अब तक 171 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में भी आगजनी हुई थी। और सूरजपुर में सिस्टम खाट पर नजर आया। यहां ग्रामीणों ने बीमार शख्स को खाट पर लेकर नाला पार कराया और 1 किलोमीटर तक मरीज को खाट पर ढोते नजर आए और फिर एम्बुलेंस तक मरीज को पहुंचाया। यहां पुलिस नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता। जमीन घर बनाने के लिए क्या हो रहा है? मरीज को बात कर रहा है कि नहीं? सांस होस। और जांजगीर चांपा में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटाया गया है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान राजेश पमला और पुलिस के जवान मौजूद रहे। खबर कांकेर से, जहां दुर्गू कोंदल के प्री मैट्रिक हॉस्टल में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों से मारपीट की। सीनियर छात्रों को जूनियर छात्रों ने जब बुक कवर नहीं दिया तो डंडे से सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की पिटाई की। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को हॉस्टल अधीक्षक को बात नहीं बताने की हिदायत भी दी। जब छात्र हॉस्टल से घर पहुंचे तो उन्होंने ये बात परिजनों को बताई। और छत्तीसगढ़ में बदरा जमकर बरस रहे हैं। जगह जगह बारिश के बाद की बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बलौदाबाजार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो वहीं मुंगेली में रुक रुक कर झमाझम बारिश का दौर जारी है। धमतरी में भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया। वहीं बालोद में कार पानी की चपेट में आ गई। कार सवार 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और धमतरी में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहां सीना नदी में बाढ़ जैसी स्थिति है। 8 देहरा नाला उफान पर है। लोग यहां जान को खतरे में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। और बात बलौदाबाजार की, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जिले से होकर बनने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन की टीम को अलर्ट किया गया है। भाटापारा के सेमरिया घाट पर पुल के 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके बाद लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील की जा रही है। जिला कलेक्टर ने तहसीलदार और एसडीएम को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और जिला प्रशासन ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मुंगेली में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जिले में रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। उधर एक दिन ही हुई बारिश के बाद पूरे जिले में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और इधर कांकेर में भी बारिश से हाल बेहाल है। यहां दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक लड़की घायल हो गई। लड़की को इलाज के लिए अंतागढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। लाम कन्हार गांव की यह घटना है। और इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक खबर आई है। छतरपुर में पुलिस की गुंडाई देखने को मिली है, जहां युवक पर कहर बनकर टूटी खाकी। युवक को पुलिस ने डंडों से जमकर पीटा। डंडे मारकर जीप में कूदती नजर आ रही है पुलिस। गुंडों की तरह पुलिस युवक को घर से उठाकर ले गई। एसपी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। युवक ने पुलिस वाहन के बगल से बुलेट निकाली थी। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, छतरपुर से ये तस्वीर सामने आई है। पुलिस की गुंडई वाली ये तस्वीर है, जिसमें एक युवक को ना केवल जमकर पीटा गया, घर से उठाकर पुलिस अपने साथ ले गई। उसे जीप में ठूसती हुई पुलिस नजर आ रही है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि पुलिस की जीप की बगल से युवक ने अपनी बुलेट निकाली थी और इसी से संभवतः पुलिसकर्मी नाराज हो गए।
खजुराहो का इस प्रकार की एक शिकायत संज्ञान में आई है और SDOP साहब को उसकी जांच दी है और उसमें आवेदक और सभी के कथन भी हो रहे हैं और प्रथम दृष्टया उसमें दो लोगों को जो लग रहा है कि जिनकी गलती हो सकती है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूर्ण जांच होने के बाद ही इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र परमार न्यूज 18 संवाददाता छतरपुर से हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, वाकई बस इतना सा मामला था या अब इसके पीछे कुछ बात और थी? देखिए प्रशांत, ऐसा है, जो तस्वीरें सामने आई हैं छतरपुर जिले का खजुराहो थाना इलाका यानी विश्व पाटन नगरी खजुराहो की है, जहां पर पुलिस की गुंडाई साफ तौर पर टीवी स्क्रीन में देखी जा सकती है। यहां पर पुलिस कर्मी जो है एक जीप में सवार होकर युवक के घर पहुंचते हैं और युवक को जबरन उसके घर से उठाकर अपनी जीप में ठूसते हुए नजर आ रहे हैं, डंडों से पीटते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ परिजन भी चीख पुकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि किसी भी तरह की कोई बात नहीं सुन रही है। सिर्फ युवक का कसूर इतना था कि पुलिस की जो जीप थी उसकी बाजू से उसने अपनी बुलेट गाड़ी पर सवार होकर निकला था। बस युवक का पुलिस को नागवार गुजरा और तत्काल पुलिस उसके जो बात आप बता रहे हैं, ये दावा युवक का हो सकता है, संभव है, लेकिन पर्यटन नगरी है, यहां पर चाहे पुलिस गलती करे या आम जनता, प्रदेश की बदनामी होती है। ऐसे में तस्वीर वाकई साफ होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं युवक ने कोई और हरकत की हो जिसके बाद ये हालात बने हो। देखिए अभी तक जो पुलिस जांच कर रही है उसमें इस तरह की बात सामने नहीं आई है। सिर्फ युवक ना तो किसी तरह का गुंडा है ना कोई बदमाश है, वह सीधा अपने घर जा रहा था, लेकिन बुलेट की जो आवाज है उसको सुनकर पुलिस कर्मी उसमें गुस्से में आ गए और युवक को उठा लिया है। तस्वीरें सामने आने के बाद SP अगम जैन ने तत्काल इस पूरे मामले घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए। चूंकि घटना जो है विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो से जुड़ी हुई है, खजुराहो का नाम जहां आ जाता है वहां पर सभी लोग अपने आप में सोचते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना वहां पर कैसे हो गई और जो रक्षक है वो कैसे आखिरकार वो इतना खाकी जो है इतना कहर क्यों भर पा रही है। जी शुक्रिया नरेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो छतरपुर से ये खबर। बहरहाल सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर लगातार जारी है। मोदी 3.0 का प्लान, बजट में बड़े ऐलान। आई प्रेजेंट द बजट फॉर 24-25। गरीब युवा अन्नदाता, क्या महंगा क्या सस्ता। बजट में खास, कितनी पूरी आस।